आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे निर्गमन उसका 12 अध्याय एक्सोडस चैप्टर 12 और उसकी 13 आयत 13th वर्स। एंड द ब्लड शैल बी टू यू फॉर अ टोकन अपॉन द हाउसेस वेयर यू आर And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. और हिंदी में है निर्गमन 12:13 और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश नहीं होंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारी आंखों को खोलें ताकि आपकी व्यवस्था से हम आपकी अद्भुत बातों को देख सकें, सीख सकें, आज्ञा मान सकें। इस समय पर आशीष दें, पवित्र आत्मा स्वयं हमें हमारे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध कीजिए और प्रभु सारे कनेक्शंस और वातावरण को आप अपने अधीन रखिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज जो हमारा विषय है, एक्चुअली मेरे एक डेली रीडिंग में फसह का विषय आया था, रादर हाल ही में ही, पिछले हफ्ते ही था। तो सारे फसह के जो फसह के संबंधित जो विचार है वो सारे फ्रेशली ताजी तौर से फिर से सामने आए। और मैं सोचता हूँ कि ये छोटी स्टडी है फसह के बारे में, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक प्रकार से पूरे फसह का जो उद्देश्य था और क्या मुख्य प्रभु हमें सिखाना चाहता था, ये फसह में इस स्टडी में पता चलता है ना। वैसे तो फसह अपने आप में बहुत विशाल एक विषय है और कोई भी उसको पूरी तौर से ना स्टडी कर सकता है ना समझा सकता है, लेकिन ये थोड़े से समय में जितना हम देख पाते हैं वो लाभदायक होना चाहिए। और दूसरा ये भी पता चलता है कि कैसे फसह ये सिर्फ एक परछाई थी, ये सिर्फ एक कहे तो सच्चे जीवन में एक दृष्टांत था उस सच्चाई के बारे में जो आने वाली थी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले, शायद पिछले संडे ही था, कि वो कुछ झूठे शिक्षक जूम मीटिंग में आ गए थे और भाइयों को उनके बारे में सही मालूम नहीं था, लेकिन एक उनकी झूठी शिक्षा ये है, वो कहते हैं कि फसह मनाना चाहिए और भी कई बेकार की बातें वो करते हैं, माता परमेश्वर और ये सारी बातें करते हैं, लेकिन एक चीज जो वो शुरुआत करते हैं विश्वासियों को बहकाना, वो करते हैं फसह मनाना चाहिए। तो विश्वासी सोचता है ये तो आत्मिक बातें करते हैं और इस तरह से वो आपको विश्वास से भटका देते हैं। तो फसह सिर्फ यहूदियों के लिए था और यीशु मसीह के बलिदान में फसह की वो परछाई पूरी हो गई, है ना। मानो के एक जवान आदमी है जिसकी शादी होने वाली है, ठीक है ना, और उसकी एंगेजमेंट हो गई है, और मानो कि ये पुराने दिन थे जब वीडियोस नहीं थे और फोन नहीं थे, तो उसके पास उसकी होने वाली पत्नी की तस्वीर है ना,
मंगेतर बोलते हैं ना, तस्वीर है उसकी। और वो अब शादी 6 महीने बाद है, वो तस्वीर अपनी मेज पे रखे रखता है, है ना, उसको याद रखने के लिए कि मेरी इसके साथ शादी होने वाली है, और एक उसको प्यार है उसके प्रति। अब 6 महीने आ गए, शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई, और पत्नी तो अलग कमरे में रहती है और ये तस्वीर को ही देखता रहता है। तो मतलब इसमें कोई बुद्धि की बात है क्या भाई? तस्वीर तब तक थी जब तक पत्नी ना आई, अब पत्नी आ गई तभी भी तस्वीर को देखते जा रहा है। पत्नी कहेगी ये तो मूर्ख आदमी है, पागल से शादी हो गई मेरी, है ना। तो वही चीज है, जो फंसे था वो एक तस्वीर थी, वो एक परछाई थी, लेकिन जब सत्य आ गया तुम्हारी आंखें अब तस्वीर से हटकर सत्य पे जानी चाहिए। तो इसलिए हमें फंसे को अच्छी तरह समझना चाहिए। और फंसे, जैसे हम, वैसे तो हम सब फंसे के बारे में शुरुआत से सालों से सुनते आए हैं, और फंसे जो है परमेश्वर की सामर्थ का एक प्रकटीकरण है, क्योंकि फंसे की रात को प्रभु ने अद्भुत सामर्थ अपनी पूरे मिस्र देश में दिखाई और इसराइलियों की मंडली को प्रभु ने दिखाया कि कैसे मैं यहोवा हूं, और अपने बढ़ाई हुई भुजा से अपनी सामर्थ के साथ में तुम्हें मिस्र से निकालता हूं। और प्रभु ने यह बात दिखाई कि इससे पहले कि वो सामर्थ प्रकट हो, इज़राइल को लहू से छुड़ाया जाना अवश्य है। और फसे में हम परमेश्वर की जो मसीह के द्वारा उद्धार की योजना है ये साफ साफ देख पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 5:7 इतना क्लियर है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी फसह जो मसीह है, हमारा फसह क्या है? हमारा फसह का मेमना कौन है? यीशु मसीह है, वो हमारे लिए बलिदान हो चुका है। देखिए, जैसे फसे की रात को हरेक इजरायली पहलौटे को या हरेक इजरायली परिवार को फसे के मेमने के खून ने उनको सुरक्षित रखा, वैसे आज परमेश्वर के मेमने का खून हरेक विश्वासी को सुरक्षित रखता है। पहला पत्रस 1:18-19, पहला पत्रस 1:18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन था, जिन परंपराओं पर तुम घमंड करते थे या उसके कारण लज्जित थे या उसके कारण बंधे हुए थे, सोने और चांदी से तुम नहीं छुड़ाए गए, ये नाशमान है। चाहे कितने भी संसार में इसकी कीमत हो, वो नाशमान है। अतः इन चीजों से नहीं, परंतु स्वर्गीय और बहुमूल्य और जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, उसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ, और वो है प्रभु यीशु का लहू। जब फसे की रात मिस्र पर आई तो इज़राइल भी मिस्र में था, गोशन के भूमि पर वो रहते थे, तो इसलिए जब इज़राइल पर वो भारी मृत्यु आई जिसमें हर पहलौटे को मरना था या मारा जाना था,
तो ये बात इसराइल पर भी आई है ना। इसराइल अपने आप में सुरक्षित नहीं था, वो कह सकते हैं हाय जो थी वो लानत पूरे मिस्र पर आई, लेकिन प्रभु ने कहा मूसा के द्वारा कि हर एक यहूदी घर एक मेमना ले, पहले वर्ष का मेमना यानी एक वर्ष का मेमना, उसको मार दे और उसका खून जो बहेगा उसको किसी तसले में लेकर बेसिन में, और खून को दरवाजे पर लगा दे चौखट पे और उसके क्या कहते हैं डोर पोस्ट एंड द लिंटल्स, यानी दरवाजे के जो बॉर्डर्स है उस पे लगा दे। और जब प्रभु गुजरेगा मिस्र में उस रात को, तो जो जो घर पर लहू होगा उस घर पर सुरक्षा आ जाएगी, प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, और मौत का दूत उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, और उस घर में जो पहलौटा होगा वो सुरक्षित रहेगा। है ना, पहलौटा जैसे मैंने पहले भी बताया जरूरी नहीं कि बच्चा होता है, एक बूढ़ा आदमी भी पहलौटा हो सकता है क्योंकि वो अपने माँ बाप का पहलौटा था। तो इसलिए एक प्रकार से करीब करीब हर परिवार में पहलौटा होता था, और कितने परिवार थे, कम से कम 6 लाख परिवार थे, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इजरायली 6 लाख थे, मिस्री बहुत लोग थे, बहुत घर थे। और भयंकर रीति से उस रात मिस्र पर मौत की सजा आई, लेकिन हर एक इजरायली घर जिसके द्वार पर लहू था वो सुरक्षित रहा। प्रभु ने कहा निर्गमन 12 अध्याय की 2 आयत में कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। प्रभु ने कहा कि ये महीना जब तुम जिसमें फसह मनाओगे, पहला फसह, इसको साल का पहला महीना अब से मानना शुरू करना। एक व्यक्ति जब तक वो यीशु के लहू से नहीं बच जाता या यीशु के लहू के द्वारा बच नहीं जाता तब तक वो जीवित नहीं है, उससे पहले वो व्यक्ति अपने पाप और अपराध में मरा हुआ है। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 1 आयत, और उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिंदा किया, तुम जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। दूसरे में कहता है तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे, और जो आकाश के अधिकार के हाकिम, अंधकार की शक्तियां का जो सरदार है यानी शैतान, तुम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते थे। और फिर वो कहते हैं तो तुम सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये सब क्यों था? क्योंकि एक विश्वासी पहले अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ था, लेकिन जिस दिन उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसके लहू पर विश्वास किया, उस दिन उसके उस मृतक जीवन में परमेश्वर का जीवन प्रवेश कर गया। जो समय पाप के ईंट के भट्टों में समय बिताया पिछले जीवन में, या मांस के हंडों, जो मौज मस्ती के मांस के हंडे थे उसमें बिताया, वो सब व्यर्थ है, वो सब वेस्ट गया। इसलिए प्रभु कहता है
ये वर्ष का जो पहला महीना है, ये महीना जो है ये तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना ठहरेगा। देखो पापों की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यानी पाप जो एक कठिन स्वामी है, निर्गमन 5:18 में यहां पर उसका एक परछाई देखते हैं। फिरौन यहूदियों को कहता है, और जब आकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। उनको पूरा सामान नहीं दिया जाएगा, रॉ मटेरियल नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनको फिर भी ईंटें पूरी करनी पड़ेगी। पहले सारा सामान मिल जाता था और उनको ईंटें बनानी होती थी, लेकिन मिस्र और मिस्र का राजा शैतान इतना क्रूर है कि वो विश्वासी को बहुत, या जो पापी प्रभु की तरफ आता है उसको बहुत सताता है। और जब तक छुटकारा नहीं हुआ होता है तो शैतान को हावी होने का मौका मिलता है। फिर निर्गमन 16:3 में इजरायली क्या कहते हैं, 16:3, और इजरायली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, परंतु तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए कि सारे समाज को भूखा मार डाले। तो पुराना अपना जीवन याद करते, हम तो अरे मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमाना खाना खाते थे, नॉनवेज ही खाते थे, मांस की हंडियां, है ना। ये दिखाता है कैसे शरीर की अभिलाषाओं में जीवन बिताया जाता था, है ना। इफिसियों में भी हमने पढ़ा 2:3 में, हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, लेकिन वो सब प्रभु कहता है व्यर्थ है। जब से लहू तुम्हारे घरों पर आएगा, दरवाजों पर आएगा, तभी से तुम इसको एक अपने जीवन में नई शुरुआत मानना। जो फसह था वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया हुआ एक पर्व था या एक योजना थी ना। ऐसा कुछ नहीं था कि प्रभु ने एकदम सोचा अरे मैं ऐसे कर लेता हूं, ऐसा नहीं था। ये परमेश्वर की अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार शुरुआत से, जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने उद्धार लहू के बहाए जाने के द्वारा निर्धारित किया था। पहला पत्रस 1:18-20, उन्नीस और बीस, क्योंकि हम पढ़ चुके थे पहले। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। किसका ज्ञान? उस निष्कलंक मेमने का ज्ञान, उसके बहुमूल्य लहू का ज्ञान, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। वो पहले से निर्धारित था, अपॉइंटेड था। देखिए, जो फसह था उसमें दो मुख्य बातें थी। एक तो बलिदान था और दूसरा पर्व था, ठीक है। फसह जो विषय है या जो घटना घटी पहले महीने के 14वें दिन के रात को, जिसको फसह की रात कही गई, उसमें दो भाग हैं, दो ब्रांचेज हैं। एक है बलिदान और दूसरा है पर्व। तो पहले हम कुछ मिनट बलिदान देखेंगे और फिर बाकी हम उस पर्व को देखेंगे, फीस्ट को देखेंगे, उत्सव को देखेंगे। वो शब्द उत्सव है। तो जो बलिदान होना था वो एक मेमना होना था। निर्गमन 12:5,
तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से ले लेना, चाहे बकरियों में से। निर्दोष हो, पहले वर्ष का हो, बिना किसी दाग का हो, चाहे भेड़ का मेमना हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, उसको भी मेमना या किड कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नम्रता का, दीनता का और पवित्रता का, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसको प्रकट करता है। दीनता की परिभाषा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह है, पवित्रता की परिभाषा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह है, पाप रहित स्वभाव और जीवन की परिभाषा चाहिए तो प्रभु यीशु है। यशाया 53:7, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। इसमें लिखा जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, लेकिन इसका जो इब्रानी शब्द है वो है से, भेड़ का जो शब्द यहां है हिंदी में वो इब्रानी में से है, SEH, तो से का अर्थ है मेमना, इंग्लिश में भी मेमना ही लिखा है लैम। जिस प्रकार मेमना वध होने के समय, तो प्रभु यीशु को क्या कहा गया है? मेमना। वो मेमना जवान होना जरूरी था, एक वर्ष का, बिना किसी दाग के होना अवश्य था। अगर उस पे दाग पाया जाता तो वो बलिदान होने के लिए अयोग्य ठहरता, और हमारा प्रभु यीशु बिना किसी दाग का था, बिना किसी पाप का, बिना किसी झुर्री का। दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था वो पाप को जानता नहीं था। पहला यूहन्ना 3:5, और तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके अंदर पाप नहीं। और पहला पत्रस 2:22, ना तो उसने पाप किया। कैसे वो संपूर्ण रीति से पवित्र, पवित्र और पवित्र है। जब वो बेतलहम में एक बालक की तरह जन्मा तो वो पवित्रता में सिद्ध था। जब नासरत में वो एक लड़का था तब वो पवित्रता में सिद्ध था, और जब वो मनुष्य का पुत्र की तरह प्रकट हुआ इज़राइल की भीड़ के सामने तब वो पवित्रता में सिद्ध था। जो प्रभु का बपतिस्मा हुआ तो पिता ने स्वर्ग से आकाशवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। लड़कपन से लेकर जब तक वो मनुष्य के पुत्र के समान प्रकट नहीं हुआ, पिता उस पूरे जीवन का जिक्र करता है कि इसके जीवन से मैं प्रसन्न हूं। पिलातुस कहता है मुझे इसके अंदर कोई भी दोष नहीं दिखता। यहूदा स्मृति कहता है मैंने निर्दोष खून का विश्वासघात किया है। और फसह में इस मेमने को मार देना था, वध कर देना था। निर्गमन 12:6, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। 10वें दिन लाया जाता था, अपने घरों में लाया गया था, और 14वें दिन वध किया गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह यरूशलम में गधे पर बैठकर पहले महीने के 10वें दिन प्रवेश किया, और ठीक 14वें दिन वो क्रूस पर चढ़ाया गया।
और किसने उसको क्रूस पर चढ़ाया, यहाँ पर किसको मेमने को बलि करना था। फसह की रात को लिखा है इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, और इज़राइल की पूरी भीड़ पिलातुस के सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगी इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसके क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। मानो के फसह की रात को अगर जो यहूदी परिवार है मानो इस मेमने को बहुत प्यार करते है ना, उसको गले लगाते बच्चे और परमेश्वर को दिखाते कि प्रभु देख, यहोवा देख, हम कितना इस मेमने से प्यार करते हैं जो तूने कहा कि हम घर में लाए। क्या अगर वो दरवाजे के बाहर उस मेमने को बांध देते कि मौत का दूत इसको देखकर चला जाएगा तो क्या कोई पहलौटा बच पाता? नहीं बच पाता। जरूरी था कि मेमना वध किया जाए, मारा जाए। हम यीशु मसीह के जीवन से नहीं बचते, हम यीशु मसीह की मृत्यु से बचते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ना मरता तो पर्दा ऊपर से नीचे ना फटता, तो कोई लहू ना बहता, कोई खुली हुई कब्र ना होती, और आज कोई हमारे लिए विनती करता हुआ सिद्ध महायाजक ना होता। हम उसके कोड़े खाने से चंगे हुए, उसके उदाहरण से चंगे नहीं हुए, उसके कोड़े खाने से चंगे हुए। पहला पत्रस 2:24, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और प्रभु ने हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया, और ये चीज चरनी में नहीं हुई, ये चीज यर्दन में नहीं हुई, ये चीज जंगल में जब वो परखा गया तब नहीं हुई, गत्समनी के बाग में नहीं हुई, परंतु क्रूस पर हुई। है ना, भाई ने बताया था कैसे हमारा प्रभु काट पर लटकाया गया, काट पर वो श्राप बन गया, क्योंकि पहला कुरिन्थियों शायद 14 में है कि जो पवित्र आत्मा से बोले वो कभी नहीं कह सकता कि मसीह श्रापित है। इसलिए मैं बोलता नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं प्रभु श्राप बन गया, और इंग्लिश में है भी ऐसा, क्राइस्ट बिकेम अ कर्स। तो हमारा प्रभु क्रूस पर, उस काट पर वो श्राप बन गया, वहीं पर उसने हमारे पाप के बोझ को उठाया। ठीक है, गत्समनी में रोया, उसने विनती की, लेकिन वहां पर कह सकते एक तरह से दस्तखत कर दिए उसने कि हां पिता तू चाहता ही है तो अब मैं क्रूस पर जाता हूं, और तभी के बाद लोग उस पर हाथ लगाने लगे, मारने लगे, जैसे मानो के अब उनको खुली छूट दे दी गई। दूसरी चीज के जो मेमना था उस मेमने को सिर्फ वध ही नहीं करना था, उसके लहू और मांस के साथ एक प्रक्रिया पूरी करनी थी, एक कार्य पूरा करना था। क्या था वो? निर्गमन 12:7, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। तो चौखट और अलंगों पर लहू लगाना था, और उस घर में बैठकर क्या करना था? उस मेमने के मांस को, मीट को खाना था। और जरूरी था कि पहलौटे की सुरक्षा के लिए लहू का लगना द्वार पर अवश्य था, सिर्फ बहना अवश्य नहीं था,
सिर्फ तसले में इकट्ठा करना अवश्य नहीं था, उस घर के द्वार पर लगना अवश्य था, तभी पहलोटा बच जाता। मानो लहू को एनालाइज करते कि भाई देखो इस दोष रहित मेमने का लहू कितना अच्छा होगा, उससे कुछ नहीं होता। जरूरी था कि वो लहू द्वार पर लगे, और किससे? जूफे से, हिसब से। और मिस्र में ये जो जूफा था ये कॉमन प्लांट था, आम पौधा था, इसको लेने के लिए कोई विदेश नहीं जाना पड़ता था या पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ता था। और जूफा जो है विश्वास को दिखाता है ना? और विश्वास को ही अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, विश्वास कोई असंभव चीज नहीं है। उसको ले जाने लेने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता। आप रोज रोज के जीवन में विश्वास रखते हैं, आप खरीद बेच करते हैं तो विश्वास रखते हैं ना, आप दुकानदार पर विश्वास रखते हैं, आम तौर से बता रहा हूं, और वो आप पर विश्वास करता है कि आपने जो नोट पैसे दिए उसको वो असली है, वो कोई चेक करने नहीं बैठता तौर से कि भाई साहब ने सही नोट दिया गलत दी। हाँ, ऐसा समय आया था जब बहुत सी फर्जी नोट थी तो सब ध्यान रखते थे, हम भी ध्यान रखते थे, लेकिन एक विश्वास होता है। जब आप लोगों के घर जाते हैं, आपको चाय पिलाते हैं, आप आराम से पी लेते, आप नहीं सोचते भाई इसको चाय को चेक करना पड़ेगा, इसमें जहर तो नहीं डाला इन्होंने, है ना। या जब पड़ोसी लोग रहते हैं, आके हमें जागता रहूंगा कहीं आके मेरा मर्डर तो नहीं कर देगा, एक विश्वास रहता है। तो जूफा जो एक आम पौधा था, प्रभु कहता तुम विश्वास से इस लहू को, इस बलिदान पर विश्वास करो। परमेश्वर अपने आप लगा देता है हमारे जीवन पर, हमारे दिल के द्वार पर, लेकिन विश्वास आवश्यक है। वो हाथ से नहीं लगा सकते थे, जूफे से ही लगाना था। और वो लहू दरवाजे के बाहर ऐसे गलती से या लापरवाही से गिर जाए और किसी का पैर पड़ जाए, ये भी अलाउड नहीं था। ये ऐसा करना एक बहुत बड़ा निरादर था, और कई लोग करते हैं इसको। इब्रानियों 10:29। तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो व्यक्ति पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। तो कुछ लोग अनुग्रह के आत्मा की आवाज को ठुकराकर उसको नजरअंदाज करके परमेश्वर के पुत्र को और उसके लहू का अपमान करते हैं, मानो को उसको एक अपवित्र चीज जानते हैं, उसकी तौहीन करते हैं। और क्या लिखा है, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड का योग्य होगा। आपने एक बात नोटिस की कि फसे कोई याजक बलि नहीं करता था इस रात को जब मिस्र में थे, और याजक का कोई भी इसमें रोल नहीं होता था। जो घर का मुखिया था उसी को मेमना वध करना था और द्वारों पर लगाना था, और वो लहू छिन्न था। और प्रभु ने कहा जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं पास ओवर करूंगा, मैं उस घर को बख्श दूंगा। एक्चुअली तो प्रभु खुद उस घर पर सुरक्षा बन जाता है ताकि मौत का दूत उस घर में प्रवेश ना करे, लेकिन उस विषय में नहीं जाते। यहां पर हमारा विचार है कि जब मैं लहू को देखूंगा तुम्हारी सुरक्षा गारंटीड है। अंदर कौन कितना योग्य था,
गरीब था या राजा था या रिक्शा वाला था, है ना, या विधायक था, है ना, या भिखारी था लाजर जैसा, इससे कोई मायने नहीं रखता। कितने भले काम उस व्यक्ति ने किए थे, कितने बुरे काम किए थे, मायने नहीं रखता। लेकिन मायने क्या रखता है कि वो व्यक्ति उस लहू की सुरक्षा में आ गया, ये शुरुआत है। उसके बाद वो नहीं पूरे जीवन में रह सकता। पहले कितना भी बुरा जीवन क्यों ना हुआ हो, लेकिन अब लहू की सुरक्षा में आ गया, और वही लहू उसके पिछले पापों के लिए एक प्रायश्चित की कीमत है। लय व्यवस्था 17:11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। बहुत मुख्य आयत है ये। प्राण के कारण, जीवन के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ऐसा नहीं था कि यहूदी लोग बच सकते थे। जब लहू के सुरक्षा में आ गए तो वो बच गए। अगर आपने वास्तविक रूप से प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास कर दिया, उसके उस लहू की एफिकेसी, कार्यशीलता पर विश्वास कर लिया, तो आप बच गए। थोड़ी देर के लिए मान लो कि छोटा बच्चा है घर में, नया ही परिवार है, छोटा बच्चा है, 2 साल का, 1 साल का बेटा है, तो पहलौटा हुआ है, तो बाप क्या उसको घर के बाहर ले जाएगा? देख देख मैं लहू लगा रहा हूं। बाप कहेगा भाई तू अंदर है ना? मैं लहू लगा रहा हूं बाहर, बाहर मत आना। उसकी पत्नी को कहेगा इसको पकड़ के रखना, भाग के आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो अर्थ क्या है, उस पहलौटे को लहू देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु को देखने की आवश्यकता है। हमें नहीं दिखता वो लहू अपनी आंखों से, लेकिन परमेश्वर पिता हमें उस लहू के द्वारा, पुत्र के लहू के द्वारा देखता है। और फिर क्या करना है, फिर घर के अंदर रहना है, उस विश्वास में बने रहना है। निर्गमन 12:22, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिर और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। ना जब तक मौत का दूध चलाना जाए, कोई भी पहलौटा घर के बाहर सुरक्षित नहीं था। घर के अंदर ही लहू के पीछे वो सुरक्षित था। शायद कई लोग हंसे होंगे, मिस्री लोग, अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं यहूदी आज, मेमने मार रहे हैं। बहुत सारे खरीदे उन्होंने मेमने बाजार से, 1-1 साल के, पागल हो गए यहूदी, है ना। लेकिन वो रात को ही हंसे होंगे मिस्री लोग, सुबह एक भी नहीं हंसा होगा जब पूरे मिस्र पर मौत ही मौत छा गई। वैसे ही आज कई लोग उद्धार के सुसमाचार पर हंसते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन न्याय का दिन आता है तो उनमें से कोई भी नहीं हंसेगा, रोएगा। तो ये था बलिदान। मैंने क्या कहा, फसह के 2 हिस्से हैं, बलिदान और उत्सव पर्व। अब हम जल्दी ही उत्सव को देख लेते हैं। निर्गमन 12:8-10, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साप पात के साथ खाएं।
उसको उसके सिर पैर अंतड़ियां समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। उनको क्या करना था? उनको उस मेमने के मांस को, उसके शरीर को रोस्ट करना था, भूनना था, और अखमीरी रोटी के साथ खाना था, और उसको भूनना था, यानी वो खाने लायक था, टेंडर मीट था, स्वादिष्ट था। लेकिन जरूरी क्या था? उसको भूनना था, या भूंजना था, जैसे प्योर हिंदी में लिखा है। तो इसलिए ना केवल लहू से बचना आवश्यक था, लेकिन उस पकाए हुए, भुने हुए मेमने के मांस को भी उनको रोटी के साथ खाना था। कई लोग बच तो जाते हैं लेकिन मेमने को नहीं खाते, इसलिए वो कमजोर रह जाते हैं आत्मिक जीवन में, बढ़ते नहीं है। इसको कच्चा नहीं खाना था, इसको उबालना नहीं था, लेकिन इसको आग में भुना जाना था, है ना? आपको दो तस्वीर दिखाऊंगा, ये तो आज की तस्वीर है, लेकिन पहले कैसे होता था उसका मैं थोड़ा आइडिया दिखाऊंगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अभी आएगा। तो ऐसा होता था देखो, ये तो मॉडर्न डे है, जैसे आज दुकानों में बिकता है ना, तो जो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, हाँ, तो जो प्राणी होता है, एक तो डंडा, मतलब ये लोहे का डंडा होता है, पूरा उसके अंदर से घुसाया जाता है, और एक डंडा उसके बीच से घुसाया जाता है, और जो लंबा डंडा है उससे वो घुमाया जाता है आग पे, और जो छोटा डंडा होता है उससे उसको हाथ मार मार के उसको गोल गोल घुमाया जाता है। एक प्रकार से आपको, ये तो थोड़ा मॉडर्न है, आज के दिनों का है, लेकिन सिर्फ दो डंडे होते थे, एक आर पार और एक ऊपर से नीचे। क्या, किस चीज का दृश्य आता है आपके सामने? क्रूस का, है ना? और एक तस्वीर देखो आप, अब देखो, जैसे एक आर पार जाता है उसके शरीर की लंबाई से, और एक ऊपर नीचे शरीर की चौड़ाई से, और जो छोटा डंडा होता है उससे वो घुमाते रहते हैं ताकि कोई एक भाग उसका बहुत जल ना जाए, इसलिए उसको स्लोली भूना जाता है। ये नहीं कि आग में डाल दिया, वो धीरे धीरे भूना गया। और ये हमारे प्रभु यीशु के, बस ठीक है, थैंक यू, ये प्रभु यीशु के उस क्रूस के दुखों को दिखाता है, कैसे वो क्रूस पर परमेश्वर के धर्मी क्रोध और न्याय के नीचे भुना गया उस आग में, जो पाप के विरुद्ध थी, जो पाप की सजा थी, और वो भी चिल्ला उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों याद दिया। आदम विश्वास से उस भुने हुए मेमने को खाते हैं, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह को हम मनन करते हैं, उसको याद करते हैं, उसके दुखों को स्मरण करते हैं, और हम ताकत पाते हैं। प्रभु का वचन पढ़ के और
उस भुने हुए मेमने को निरंतर रोज रोज खाके उसके बलिदान को स्मरण करके हम ताकतवर होते हैं। प्रभु ने क्या किया, क्या कहा था, मती 26:26-30 में, कुछ पांच या सात मिनट और लूंगा। उसने उससे कहा तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने प्याला लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि वाचा का मेरा ये लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जरूरी था कि यहूदी भुने हुए मेमने को ही खाए, कच्चे को नहीं, उबले हुए को नहीं। आज दुनिया क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को नहीं खाती, लेकिन वो जिंदा मेमने को खाना चाहती है या कच्चा मांस खाना चाहती है जो भुना नहीं गया। यानी प्रभु यीशु का जीवन का उदाहरण तो देते हैं, अरे यीशु मसीह ने यह कहा था, लेकिन उससे कोई बच नहीं सकता। कई बड़े बड़े लीडर और गुरु रहे जो यीशु मसीह का उदाहरण देते हैं, है ना। क्रिसमस के दिन बड़े बड़े नेता टीवी पे आकर यीशु मसीह की 2-3 तारीफ कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता, है ना। क्रिसमस के दिन कोई चर्च चले जाए, हैप्पी क्रिसमस एक दूसरे को कह ले, उससे नहीं बच सकता। कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच सकता है सिर्फ भुने हुए मेमने से जिसका लहू बह चुका है। वो प्रभु यीशु को एक उदाहरण की तरह लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उदाहरण बनने नहीं आया। वो सबसे पहले दुनिया को बचाने आया। जो बच जाता है अपने आप प्रभु को फिर उदाहरण मानने लगता है, उसके जीवन का नकल करना शुरू कर देता है। वो अभी भी क्रूस के, अगर कहा जाए तो बाईं ओर जी रहे हैं। हमें क्रूस के दाईं ओर जीना है और पीछे मुड़कर उस क्रूस के बलिदान को, उस फसे के मेमने को स्मरण करना है, विश्वास करना है। जरूरी था कि ये भुना हुआ जो मीट था, ये अखमीरी रोटी के साथ खाया जाए। निर्गमन 12:8, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सांप पात के साथ खाए। हम जानते हैं खमीर बुराई को दिखाता है और दुष्टता को दिखाता है, पाप को दिखाता है, झूठी शिक्षा को दिखाता है, मक्कारी को दिखाता है। तो क्या मतलब है, जो लहू के सुरक्षा में आ गया, जो भुने हुए या क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह पर विश्वास करने लगा, अब उसका पाप से, बुराई से, झूठी शिक्षा से, मक्कारी से, दुष्टता से, बुरी लालसा से अब उसका संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, अपने आप को जांच लो और फिर इसमें भाग लो। यह अर्थ है उसका एक। पहला कुरिन्थियों 5:7-8, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। और सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। क्या है ना उत्सव, फसह क्या था, बलिदान था। पहले क्या कहता है, मसीह जो हमारा बलिदान है, और अब क्या कहता है, आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सिधाई और सच्चाई, हमेशा याद रखिए, सिधाई और सच्चाई। और उनको ये मांस कड़वे साग पात के साथ खाना था, याद रखना था कैसे हम कड़वाहट में 400-430 वर्ष तक
मिस्र की गुलामी में रहे, सताए गए, कितना तो बुरा आंसू देने वाला दुख का समय था। शुरुआत में फिरौन ने पहले तो यूसुफ की सारी मदद मिली, लेकिन बाद में फिरौन सब कुछ भूल गया जो नया फिरौन आया और मिस्रियों को सताने लग गया। इस कड़वे सागपात खाने से आंख में आंसू भी आते थे, जैसे प्याज काटने से आते हैं। तो एक प्रकार से वो याद करते थे अपने आंसुओं को जो मिस्र में उन्होंने बहाए। रात को खाना था, ये फसह की रात को नींद उड़ाकर इस मेमने को, भुने हुए इसके मीट को खाना था, और कुछ भी सुबह तक नहीं छोड़ना था कि कहीं कोई उसका निरादर ना करे। बाकी जो मीट बचा उसको पूरी तौर से आग में जला देना था। कितनी एक सुंदर तस्वीर है, जब पूरे मिस्र पे भयानक मौत घर घर में जा रही थी, माए चिल्ला रही थी, जब अपने सामने बच्चे गिर रहे थे, उसके मर रहे थे हर एक घर में, कैसे चीख रहे होंगे, रो रहे होंगे, और तब ऐसे मौत के तूफान में हर इजरायली घर उत्सव मना रहा था, रोस्टेड मीट खा रहा था, अखमीरी रोटी खा रहा था। जब सब जगह भयंकरता है, भयंकर समय है, प्रभु ने हमारे मनों में शांति दी। ये तो प्रभु ने कहा ही था, हम प्रभु यीशु के साथ लिपटे रहे, लगे रहे, और उस आने वाले दिन का इंतजार करें। निर्गमन 12:11, और उसके खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। ये क्या था? कमर बांधे, बेल्ट पहनकर, जूते पहनकर, हाथ में डंडा, ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा के लिए अब हम तैयार हैं, और हम भी उस यात्रा के लिए तैयार हैं। हम ऑलरेडी जंगल की यात्रा में और कनान में हम पहुंच गए हैं, जो विश्वास का कनान है, लेकिन युद्ध कर करके जीत रहे हैं, लेकिन हम उस स्वर्गीय हमारे प्रभु का इंतजार करते हैं। जब वास्तव में हम उस देश में, उस स्वर्गीय देश में पहुंचेंगे, जहां पर ना दुख होगा, ना मृत्यु होगी, ना श्राप होगा, ना पाप होगा, ना दर्द होगा, ना आंसू होंगे, तब तक हम प्रभु यीशु में उत्सव मनाते हैं, शांति के साथ, आनंद के साथ, उस हमारे क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु, जिसने दुख उठाया, वो भूना हुआ मेमना, उसी के कारण हम आनंद मना पाते हैं। तो ये फसह के बारे में था, और इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद दें कि हमारे लिए मसीह, जो हमारा फसह है, वो बलि हो चुका है, और इसलिए हम धन्य हैं। प्रभु हमारी सहायता करें और अपने वचन पर आशीष दें। हम में से कोई भाई प्रार्थना करें।